नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मौजूद है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 97%। ठीक है, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 97%। ठीक है, पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से ढका हुआ, इसमें महासागर का योगदान अधिक है। पृथ्वी के कुल जल भंडार का 97% जल महासागरों में विद्यमान है। यह जल अपेक्षाकृत लवणीय होता है। महासागरों में कुल जल की मात्रा 1.50 अरब क्यूबिक किलोमीटर है। महासागरों औसत गहराई, ठीक है, 3,700 मीटर है। आप एक्सप्लेनेशन ध्यान से दोबारा पढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एस्किमो निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी टैगा, ऑप्शन सी साइबेरियन, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए टुंड्रा। एस्किमो अमेरिका के अलास्का और रूस के साइबेरिया में मुख्य रूप से रहते हैं। यह लोग अत्यधिक शीत क्षेत्र में रहते हैं। एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मिट्टी के किस संस्तर को ह्यूमस कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ संस्तर, ऑप्शन बी ए संस्तर, ऑप्शन सी बी संस्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए ओ संस्तर। मृदा की सबसे ऊपरी परत को ओ सही स्तर को ह्यूमस कहा जाता है, इसे जैविक सा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी म्यूज, ऑप्शन सी ये सर, ऑप्शन डी टेम्स। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए राइन। राइन नदी स्विट्जरलैंड, पश्चिमी जर्मनी और नीदरलैंड में बहते हुए फ्रांस की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान उठने की संभावना है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी, सॉरी ऑप्शन डी जापान। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। उष्ण कटिबंधीय तूफान आमतौर पर भूमध्य रेखा के निकट डोल्ड्रम पेटी में उत्पन्न होते हैं। यह तूफान इस पेटी में लगभग 10 डिग्री दूर तक उत्पन्न होते हैं। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। ऑप्शन ए पवित्र स्थल फिलिस्तीन, ऑप्शन बी मोतियों का द्वीप बहरीन, ऑप्शन सी भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी सही हैं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। ऊपर दिए गए सभी स्थान और उनके उपनाम के सभी जोड़े सही हैं। दोबारा देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईडन की खाड़ी हाल में ही किन कारणों से खबरों में रही? ठीक है, ईडन की खाड़ी, चलिए ठीक है। ऑप्शन ए कच्चे तेल के विशाल भंडार, ऑप्शन बी म्यांमार भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समुद्री विवाद, ऑप्शन सी सोमालिया के लुटेरे, ऑप्शन डी अमेरिका और रूस के पनडुब्बियों के बीच टक्कर। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सोमालिया के लुटेरे। ईडन की खाड़ी को लुटेरों की खाड़ी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में समुद्री लुटेरों की गतिविधियां काफी सक्रिय होती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट अल्ब्रुस, ऑप्शन बी अल्पस, ऑप्शन सी फिन, ऑप्शन डी ब्रह्मांड ब्रह्मांड। ओके, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंट अल्ब्रुस। माउंट अल्ब्रुस दक्षिणी रूस की में दक्षिणी रूस में काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट अल्ब्रुस की समुद्री तल से ऊंचाई 5642 मीटर है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हडसन खाड़ी, ऑप्शन सी ब्लैक सोल्ट खाड़ी, ऑप्शन डी सैंडी खाड़ी जिब्राल्टर। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है। यह 21,72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।
आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हार्डवुड लकड़ी अधिकतर किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के सदाबहार वन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी टैगा, ऑप्शन डी समशीतोष्ण वन। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के सदाबहार वन, हार्डवुड लकड़ी सदाबहार वनों में पाई जाती है। ओक, मेपल, हिकारी, अखरोट और चेरी हार्डवुड लकड़ी के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।